नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आज मैं उपस्थित हूँ एक सूत्र लेकर के। और वह जो सूत्र है वह अपादान कारक का है। जो पांचवा कारक है वह हमारा कौन सा है? अपादान कारक। अब देखिए, जो अपादान है वह क्या? एक संज्ञा है, अर्थात एक नाम है। और वह नाम है तो उसकी शर्तें हैं कि हम अपादान कहेंगे किसे, अर्थात अपादान किसको कहा जाता है। यह शर्त है कि अपादान जो संज्ञा है, अपादान जो नाम है, वह किसका होता है। उसके लिए पाणिनि ने हमारे लिए एक सूत्र दिया, ध्रुवम पाए अपादानम। क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? देखिए, एक धातु होती है ध्रुव। कौन सी धातु होती है विद्यार्थियों? ध्रुव धातु होती है। और इसका अर्थ है गति, स्थैर्य, अर्थात गति स्थिर हो, अर्थात जिसमें गति नहीं हो। और इस ध्रुव धातु में जब हम क प्रत्यय लगा देते हैं तो यह बन जाता है हमारा ध्रुव। अब ये जो ध्रुव शब्द है, ध्रुव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? स्थिर। अब देखिए, तो ध्रुव जो होता है, अर्थ ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। और अवधिभूत, ये अर्थ हैं किसके? स्थिर के। अब इसके अलावा एक शब्द है इसमें अपाय। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, अलग होना, पृथक होना, विश्लेष। ये सब जो अर्थ होते हैं वे किस अर्थ में होते हैं? अलग होने अर्थ में होते हैं कि दो वस्तुओं का संयोग हो और उनमें अगर वे अलग हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो जो ध्रुव होगी, जो स्थिर होगी, उसको क्या नाम रखते हैं हम? अपादान। उसकी क्या संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। उसका नाम हो जाएगा अपादान, यानी जो स्थिर होता है। जैसे आप लिखते हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो अब देखिए ये जो पत्ता है वो किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से। और वृक्ष से जब पत्ता अलग हो रहा है तो अलग होना है और वृक्ष हो गया स्थिर, क्योंकि वृक्ष में तो कोई गति नहीं होगी। ऐसे ही वह गांव से आता है, ठीक है, तो ये जो गांव है उससे कोई भी व्यक्ति अलग हो रहा है, यह करता तो गांव है वह स्थिर हो गया, अवधिभूत हो गया, ध्रुव हो गया। तो इसकी क्या है? अपादान संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही घोड़े से गिरता है, क्या है? घोड़े से गिरता है। तो अगर कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़े पर बैठा हुआ है तो उस घोड़े से गिर जाए तो घोड़ा और जो व्यक्ति है, व्यक्ति अलग हुआ तो जो घोड़ा है वह क्या है? स्थिर हो गया। तो उस स्थिर में क्या है? अपादान संज्ञा हो जाती है। उसको क्या कहेंगे हम? अपादान कहेंगे। यानी दो चीजें जब जिनमें एक पृथक हो रही है तो जो स्थिर है उसको क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं।
अब देखिए एक सूत्र है अपादाने पंचमी, कौन सा सूत्र है अपादाने पंचमी, और यह जो सूत्र है यह है दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है विद्यार्थी, कौन सा है 28वां सूत्र है, और यह सूत्र क्या कहता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, क्या अर्थ है अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, अपादान में कौन सी विभक्ति होगी पंचमी विभक्ति होगी, तो अपादाने पंचमी अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए वाक्य है जैसे एक वाक्य है वह ग्राम से आता है और वाक्य है सह ग्रामाद आयाति। अब देखिए इस वाक्य में सह करता है ग्राम अवधिभूत कारक है, तो ग्राम की क्या संज्ञा हो गई उपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी जो सूत्र है उससे इसमें क्या आ गई पंचमी विभक्ति आ गई। अब देखिए दूसरा है सह धावतो अस्वात पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो देखिए सह हो गया कर्ता और जो घोड़ा है घोड़ा गति तो कर रहा है किंतु जो अलग हो रहे हैं अलग होने में घोड़े की गति नहीं है, घोड़ा क्या है ध्रुव है और ध्रुव है अर्थात घोड़ा स्थिर है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं विरक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य बनाएंगे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो देखिए पत्ता अलग हो रहा है और पत्ता अलग हो रहा है तो इसमें क्या है जो वृक्ष है वृक्ष में आ जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति। अब देखिए ये जो अलग होने की जो क्रिया है एक तो होती है शरीर संसर्ग से युक्त और एक होती है बुद्धि कल्पित, जो अलग है एक तो क्या है शरीर अलग हुआ जैसे कोई व्यक्ति घोड़े से गिरा वृक्ष से पत्ता गिरा, और एक होती है बुद्धि कल्पित अर्थात हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, जैसे हम लिखते हैं मथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्य तराह, क्या है मथुरा पाटली पुत्र केभ्यः आढ्य तराह, मथुरा पाटली पुत्र से मथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्य तराह, के मथुरा
पाटलिपुत्र से धनी है। तो आपको पता है यह बुद्धि कल्पित है, यह बुद्धि से कल्पना की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है ये बुद्धि कल्पित है और ये सब जो उदाहरण है वो शरीर संसर्ग कल्पित हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का हो जाता है। अब देखिए ये जो ध्रुव होता है वह चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है, चल भी हो सकता है और अचल भी। कैसे? अचल में आपके वृक्ष हो गया, गांव हो गया, और चल में क्या हो गया? अश्व, यानी जो अश्व है, जो घोड़ा है, यानी दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो ये जो ध्रुव है, अवधिभूत जो कारक है, जो अपादान कारक है, वो चल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा दो सूत्रों को, जिसमें एक तो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है और एक विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो संज्ञा वाला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम पाय पादानम, और एक है अपादाने पंचमी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।